सब्सक्राइब कीजिए चंबल बरवा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल आइकॉन बटन को पाए सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ और वीडियो। नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नमस्कार, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। अब खबर है धौलपुर से। धौलपुर में आज चुनावी मौसम में नई उथल पुथल देखने को मिली। नगर परिषद धौलपुर के पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा ने बीजेपी पार्टी छोड़कर कर आज जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश से प्रभारी देवेंद्र यादव द्वारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आज निर्दलीय प्रत्याशी सतीश शर्मा मैनेजर ने समाज का हित और एकता के लिए बसपा प्रत्याशी किशन पंडित को समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद सतीश शर्मा ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। उन लोगों ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवा दी कि जिस व्यक्ति का वजूद अपने ही जाति में नहीं है, उनका अपनी जाति में ही 5% का समर्थन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, अलोकप्रिय व्यक्ति को टिकट दिलवाने से कांग्रेस की नीतियों के ऊपर पूरा का पूरा दाग लगा है। और इससे क्या हुआ है, निश्चित तौर पर टिकट में जो है खरीद फरोख्त हुई। सारा का सारा वर्ग, पूरा धौलपुर समाज और ब्राह्मण समाज जो कि कांग्रेस की टिकट का 50 वर्षों से दावेदार रहा है, यहाँ ब्राह्मण समाज को ही टिकट मिलती रही है और आगे भी टिकट मिलती रहेगी। उसके बावजूद जब टिकट नहीं मिली तो ऐसे में हमारे पंडित किशन चंद जी जो है समाज के आदमी है, इन्होंने मेरे से संपर्क किया है। सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 4 दिन से लगातार वार्ता चल रही है। मेरे मन में दुख तो बहुत है, मगर क्योंकि मैं ये घोषणा कर चुका था बाड़ी में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में कि अगर किसी व्यक्ति को समाज में से टिकट मिलेगा तो मैं उसको सहज समर्थन दूंगा और मैं अपनी नीतियों को और अपनी बातों को सत्य करते हुए अपना जो समर्थन है, अपनी पूरी टीम का समर्थन है, अपने समाज के साथ पंडित जी को दे रहा हूं। और इसमें एक और खास बात यह है कि इसी बात को मेरे साथ सीपी शर्मा जी ने भी कहा था कि वो भी जो है समाज का समर्थन समाज के हित में देंगे, मगर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वो समाज से ऊपर है, समाज का समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम आगे भी और पीछे भी इस बात को एक बार एहसास करा देंगे कि समाज बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। हम इसी बात को जो भी वायदा किया था समाज से वो उन्होंने निभाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आगे बोलो, और बोलो आगे, इनका समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि सतीश जी हमारे साथ हैं। जितने हाईकमान में लोग हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी अपने यहाँ से आदमी ले जाकर एक अवगत कराया था कि टिकट का वितरण सही किया जाए। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है कि जिस समाज में जो कि बीजेपी का पहले से ही टिकट था, वर्तमान में विधायक थी और उसका इतना जनसमर्थन भी है, क्योंकि जो कांग्रेस का टिकटधारी है उसका मेरे समाज में, ब्राह्मण समाज की तो बात छोड़िए, कुशवा समाज में भी 5% का भी जनसमर्थन नहीं है। ऐसे टिकट देख करके ऐसा महसूस हुआ कि टिकट जो है खरीद फरोख्त की गई है और हमने सब चीज की बातें उनको अवगत भी कराई, मगर कांग्रेस हाईकमान के मन में बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी है। टिकट यहाँ ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर 40 जगहों पर टिकट का वितरण जो है गलत किया गया है और नाइंसाफी से किया गया है। धौलपुर की पूरी जनता, विशेष करके धौलपुर का बहुसंख्यक ब्राह्मण समाज इससे बेहद नाराज है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, कांग्रेस नहीं छोड़ी है, बसपा में शामिल नहीं हुआ हूं। मैंने सिर्फ अपने समाज के वजूद को देखते हुए, चूंकि मेरा समाज यहाँ है, मुझे समाज में ही जीना है और धौलपुर के लिए जीने की तमन्ना थी, मगर चूंकि समाज जब ऐसा महसूस करता है, घुटन महसूस करता है कि चारों विधानसभा सीटों में से 150,000 ब्राह्मण वोटर होते हुए भी कांग्रेस ने इस लायक नहीं समझा कि ब्राह्मणों को कोई भी एक टिकट दिया जाए, तो इसका असर समाज का इतना प्रेशर है, इतना दबाव है कि मैं महसूस करता हूं कि मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के नाते किशन चंद जी के फेवर में अपना ये वापस लिया है, पार्टी या बसपा के फेवर में नहीं लिया है। ये साफ बात है, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, न किसी पार्टी में, वर्तमान में भी कांग्रेस का वर्कर था और सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस का ही रहूंगा। आपने समाज हित में पंडित जी को समर्थन दिया है क्या? जी, समाज हित में पंडित जी को समर्थन दिया है, क्योंकि समाज से बड़ा नहीं हूँ। 1.5 लाख समाज जो धौलपुर का इस समय पूरी तरह से त्रस्त है।
अपील बने नमो नमो मोर्चा के आई डॉट टी सेल जिला संयोजन धौलपुर में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रभारी संजय सक्सेना, राष्ट्रीय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय तिवारी की सहमति द्वारा एवं प्रवीण कुमार यादव प्रदेश अध्यक्ष, ज्ञानेश चतुर्वेदी प्रदेश प्रभारी की अनुशंसा पर विनोद कुशवाहा सहमंत्री राजस्थान के द्वारा श्रीनगर कॉलोनी निवासी अनुराग बघेल को नमो नमो मोर्चा आईडॉटी जिला संयोजक नियुक्त किया जाता है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बघेल के मनोनयन पर हर्ष व्यक्त किया है कि मोर्चा को राजस्थान में आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। धौलपुर के युवाओं द्वारा मतदान के उपलक्ष्य में धौलपुर शहर वासियों को मतदान के लिए जागरूक किया गया, जिसमें धौलपुर के युवाओं ने मिलकर के शहर के दुकानों और घरों में गए और मतदान के लिए जागरूक किया और कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। 7 दिसंबर का चुनाव है और जिसमें आशीष कुमार चौधरी ने कहा कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को वोट दे और शराब, पैसे और जाति के प्रलोभन में न आए। जिसमें सारांश अग्रवाल ने बताया कि आपका एक ही वोट बहुत कीमती है, जिसे आप अपने मन से चुनकर सही कैंडिडेट को दे। आपका एक ही वोट किसी को हरा भी सकता है और जीता भी सकता है। जिसमें सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा दृष्टिहीन और अपंग लोगों के लिए निःशुल्क गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है और अपने मत का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस मौके पर सारांश अग्रवाल, आशीष कुमार चौधरी, सुशील कुमार गर्ग, कनिष्का गर्ग, अभिनव गर्ग, रोहित बंसल, अशोक अग्रवाल, नीलू आर्यन, पुरुषोत्तम गर्ग, कैलाश बुरा, कुक्की डीसी संतोष, विनय और आदि लोग उपस्थित रहे। और आप अपना वोट जरूर डालने जाएं, ये हमारा और ये नंबर बिल्कुल टोल फ्री है आपके लिए, जो सुविधा बिल्कुल निशुल्क की गई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद मित्रों, चंबल प्रभा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने मोबाइल पर ही देश दुनिया और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चंबल प्रभा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबाने पर एक बेल आइकन यानी घंटी की आकृति आपको दिखेगी, जिसे आप दबाएं। इसको दबाने पर हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको मिलेगी सबसे पहले। थैंक यू।